तो मेरी सर स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई प्यारी इस वीडियो में। दोस्तों इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं रियलमी C35 फोन है मेरे पास, रियलमी C535 नाम का फोन है मेरे पास। और इस फोन के अंदर आपको रिंगटोन किसे सेट करना है, अगर आपके फोन में कोई भी म्यूजिक है तो उसको आपको रिंगटोन में किसे सेट करना है, ये सारी जानकारी मैं देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए, चलिए किस वाली मजेदार वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने भी लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कर देना। चलिए मेरी जान बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो देखो दोस्तों मैंने यहाँ पे कर लिया फोन का सेटिंग ओपन। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आओगे, अब यहाँ पे एक नया अपडेट आ चुका फोन में रिसेंटली, अभी मतलब 3-4 दिन पहले अपडेट आया है, तो यहाँ पे सब कुछ बदल गया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे की ओर साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन आपको मिल जाता है, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसके बाद देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ चुका है। अब सबसे ऊपर में तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये जो कि साउंड वॉल्यूम का आपको मिल जाता है, मीडिया वॉल्यूम, जैसे आप अगर कोई सॉन्ग प्ले करते हो तो उसको आपको कितना वॉल्यूम रखना है वो सब है। बाकी यहाँ पे कॉल वॉल्यूम का भी दिया गया है, रिंग नोटिफिकेशन वॉल्यूम का भी दिया गया है। बट हमको अपने मतलब फोन में किसी का अगर फोन आता है तो हमको रिंगटोन सेट करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, नीचे चलते हो तो यहाँ पे फोन रिंगटोन सिम 1 लिखा हुआ है और फोन रिंगटोन सिम 2 दो लिखा हुआ है। अब आपके फोन में अगर एक ही सिम है, अगर वो सिम सिम 1 में है तो आपको सिम 1 वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, अगर आपको फोन में सिम 2 है तो आपको सिम 2 वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। मेरे फोन में एक ही सिम है और मैंने वो सिम 1 में लगा के रखा है, तो मुझे किसी का भी फोन आता है तो सिम 1 में आता है, तो मुझे रिंगटोन है वो म्यूजिक है वो सिम 1 में लगाना है, तो उसके लिए मैं सिम 1 पे क्लिक कर लेता हूँ। सिम 1 पे क्लिक करने के बाद देखो दोस्तों इस तरीके से कुछ आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको ऑलरेडी यहाँ पे रियलमी कंपनी की ओर से आपको ढेर सारी यहाँ पे रिंगटोन मिल जाती है, बट बहुत सारे लोगों को मतलब ऐसा होता है कि भाई हम हमारे मतलब फाइल्स में जो म्यूजिक है उसको हम लोग यहाँ पे लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये सारा का सारा नीचे स्क्रॉल कर देना है, यहाँ पे लिखा हुआ एड रिंगटोन, आपको ये वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारी ऑडियो की यहाँ पे लाइब्रेरी आ जाएगी। यहाँ पे व्हाट्सअप ऑडियो का है मेरा, मैं यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं ऑडियो पे क्लिक कर लेता हूँ। अभी मेरे फोन में यहाँ पे 2 ही ऑडियो पड़े हुए हैं, एक देखो यहाँ पे म्यूजिक लवर का एक ये पड़ा हुआ है और यहाँ पे एक अननोन में यहाँ पे 3-4 ऑडियो पड़े हुए हैं, ओके ना। तो आपको जो भी ऑडियो आपको लगाना है वो सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो इट्स रियलमी ये सारी सारी है, सिलेक्ट कर लेना जो आप, ओके ना, मैंने यहाँ पे लगा दिया जो मुझे लगाना था वो। इसी तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पे करना है तो कुछ आप इस तरीके से यहाँ पे अपने फोन के अंदर रिंगटोन सेट कर सकते हो दोस्तों इस तरीके से। बाकी तो देखो दोस्तों कि यहाँ पे बाकी और भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे वाइब्रेट फोन करता है तो ये भी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, स्क्रीन लॉक होता है तभी साउंड आता है या नहीं ये भी मिल जाता है, चार्जिंग साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन भी मिल जाता है अगर आपका फोन चार्ज में पड़ा हुआ है, और वहीं पर अगर मतलब जैसे आप पिन लगाते हो अपना चार्जिंग प्लग लगाते हो तो जब फोन वाइब्रेट करेगा साउंड करेगा, तो यहाँ पे ये है। टच साउंड का भी ऑप्शन आप इनेबल करते हो, मतलब कहीं पर भी आप लोग क्लिक करोगे तो टच का साउंड आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ढेर सारी सेटिंग मिल जाती है, पर हमारा मेन टॉपिक था कि अपने फोन के अंदर रिंगटोन कैसे ऐड करें, तो उसके लिए मैं आपको बता दिया हूँ। यहाँ पे जाओ एड रिंगटोन, जो भी आपका सिम कार्ड है उसको सिलेक्ट करो, रिंगटोन में जाओ एड रिंगटोन पे क्लिक करो और अपने जो भी रिंगटोन रखना है म्यूजिक में से चूज करके रख लो, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, पापा दोस्त फ्रेंड गर्लफ्रेंड किसी का भी फोन लो और अपने फोन में कॉल करो, अगर सेम टू सेम रिंगटोन आपने जो रखा है वही रिंगटोन रख गया तो काम खत्म, आपका काम रेडी हो चुका है। फिर आप होम स्क्रीन पे आ जाना, बस कुछ नहीं करना, यहाँ से सारा डिलीट कर देना है। तो इस तरीके से कुछ आप लोग अपने रियलमी C35 फोन के अंदर